नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.4 का प्रश्न 8 हम करने जा रहे हैं। इसमें हमें सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। हमें सही उत्तर चुनना है और अपने उत्तर का कारण भी बताना है, यानी औचित्य बताना है। देखिए प्रश्न है, ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन से होते हैं? जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। देखिए एबीसी एक त्रिभुज है और डी जो है यह बीसी का मध्य बिंदु है और बीडीई यहां पर इस प्रकार से एक त्रिभुज होगा। फिर यह समबाहु है, यानी बीडी बराबर डीई बराबर बीई है और एबी बराबर एसी बराबर बीसी है। ठीक है बच्चों, तो मान लो एबी बराबर बीसी बराबर सीए, ये बराबर है पी के। अब बच्चों देखिए, त्रिभुज एबीसी में तीनों कोण 60-60 डिग्री के होंगे क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है। इसी प्रकार से त्रिभुज बीडीई, यह भी एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें भी सभी कोण 60-60 डिग्री के होंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी ई, कोण ए बराबर कोण बी 60 डिग्री, कोण सी बराबर कोण ई 60 डिग्री। क्यों? समबाहु त्रिभुज। तो क्योंकि दो भुजाएं बराबर, दो कोण बराबर हैं, तो ए ए समरूपता कसौटी के अनुसार त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज बी डी ई के। अब इससे क्या होगा बच्चों, अगर ये दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात और उनका वर्ग बराबर होगा। ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, देखो ये कहां से पता चला, एबीसी और बीडी लेना, ये यही दिया हुआ है, एबीसी और बीडी के क्षेत्रफल का अनुपात बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई, ये किसके बराबर होगा? भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर और इसका मतलब है एबी बटा बीडी के वर्ग के बराबर। तो देखिए बच्चों, ध्यान से देखेगा, एबी एबी को हमने माना था पी के बराबर, बीडी बीडी जो है यह है बीसी का आधा है, बीसी है पी, तो बीडी होगा पी बटा दो। ठीक है बच्चों, और इसका वर्ग। अब इसे हल करेंगे हम, पी का होल स्क्वायर बटा पी का वर्ग होगा पी स्क्वायर बटा दो, दो का वर्ग होगा चार, यह ऊपर जाके इस प्रकार से गुना हो जाएगा। अब पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास बच गया ऊपर चार और नीचे एक। इसका मतलब क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का अनुपात एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई के साथ, यह अनुपात आएगा 4/1, यानी कि 4:1। तो यही बच्चों हमें इस प्रश्न में निकालना था। अब देखिए, प्रश्न में हमें चार ऑप्शंस दी हुई हैं, 2:1, 1:2, 4:1 या 1:4। तो सही उत्तर है सी, 4:1। तो हम लिख देंगे सही विकल्प सी,
एक। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करता हूं बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वहां जाकर बाकी प्रश्नों के हल आप देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।